दोस्तों अभी ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे Realme लॉन्च करने जा रहा है अपना एक 5 सीरीज के नए स्मार्टफोन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप मिस्टर माधव सेठ के ट्विटर पेज के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे इससे पहले इनका नाम था माधव एक्स, अब इन्होंने इसे चेंज कर दिया माधव 5 क्वाड। 5 का मतलब है 5 सीरीज का स्मार्टफोन, क्वाड का मतलब क्वाड कैमरा। अब हम सबको ये पता है दोस्तों कि यहाँ पे Realme बहुत ही जल्दी एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जहाँ पे आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे 8th ऑफ अगस्त को न्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने एक इवेंट रखा हुआ है और जहाँ पे ये बात करेंगे इसी टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये 64 मेगापिक्सल का जो सेंसर है ये कौन सा सेंसर है, कैसे काम करता है, और बेसिकली यहाँ पे किसी फोन के लॉन्च करने वाले नहीं है, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। लेकिन इतना जरूर कंफर्म है दोस्तों कि 5 सीरीज का स्मार्टफोन आपको अगस्त के महीने में ही Realme इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। दोस्तों यहाँ पे Realme 5 सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें से एक हो सकता है Realme 5 और दूसरा हो सकता है Realme 5 Pro। हालांकि दोस्तों कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि 10 से 15 हज़ार का जो मार्केट है ये काफी बड़ा मार्केट है, तो ऐसे में इस प्राइस के अंदर Realme कुछ ना लॉन्च करे ये काफी मुश्किल है। और अगर ये Realme 5 को अगर लॉन्च करते हैं 15,000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे इस प्राइस के हिसाब से ही आपको स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो Realme सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें वो है इसके क्वाड कैमरा के ऊपर। तो यहाँ पे Realme 5 में डेफिनेटली आपको क्वाड कैमरा मिलने वाला है, जिसमें से पहला सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का और ये सैमसंग का सेंसर होने वाला है GW1। और इसके अलावा दोस्तों बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा अगर आप इसे कंपेयर करोगे हाल ही में लॉन्च किए Realme 3i के साथ, या फिर आप Realme 3 Pro के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक नॉच वाला डिस्प्ले मिल सकता है और प्रोसेसर यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 712 मिल सकता है। इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि प्राइस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे अगर आप Realme X को देखोगे तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 710 मिलता है, पॉपअप सेल्फी दिया गया, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया और उसकी प्राइस 17,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो उससे ज़्यादा कोई स्पेसिफिकेशन तो आपको Realme 5 में देख लेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। Realme 5 Pro में आपको काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देख लेंगे मिल सकता है, आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि Realme X में जिस तरह का स्पेसिफिकेशन दिया वैसा ही कुछ स्पेसिफिकेशन आपको 5 Pro में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो प्रोसेसर है दोस्तों यहाँ पे वो स्नैपड्रैगन 730 को लॉन्च कर सकते हैं और ये सीधा सीधा कम्पीट करेगा Redmi K20 के साथ और इसकी प्राइस क्लोज टू 20,000 हो सकती है। हालांकि दोस्तों ये है मेरा प्रेडिक्शन, लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ पे Realme 5 कौन से प्रोसेसर के साथ आएगा या फिर Realme 5 Pro कौन से प्रोसेसर के साथ आ सकता है, ये जरूर मुझे आप कमेंट करके बताइए। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों ये कंप्लीटली यहाँ पे स्नैपड्रैगन छोड़ के MediaTek के प्रोसेसर के साथ जाए जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है यहाँ पे G90 और G92। अब जो भी दोस्तों आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए और अगस्त के महीने में आपको ये फोन इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है दोस्तों प्राइसिंग इसके करीब 14,000 से 15,000 रुपए में ही स्टार्ट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो उसे कमेंट करिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।